वेलकम टू माई चैनल इनोवेटिव कुकिंग। और आज हम पालक के कोफ्ते बनाएंगे। तो आइए देखते हैं पालक के कोफ्ते बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। तो पालक के कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए पालक। मैंने यहाँ पर अराउंड 150 ग्राम पालक लिया है। पालक को मैंने बिल्कुल अच्छे से धोकर काट लिया है। यहाँ पर मैंने लिया है पनीर। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम यानी कि 400 ग्राम पनीर लिया है। ये बिल्कुल घर का बना पनीर है। यहाँ पर मैंने लिया है 4 प्याज, 2 टमाटर, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 2 हरी मिर्च और 4 से 5 कली लहसुन। और सबको मिलाकर मैंने उसकी प्यूरी बना ली है। और इसमें मैंने थोड़े से पालक भी ऐड किए हैं। ये है धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला पाउडर। यहाँ पर मैंने ली है कुछ धनिया की पत्ती। यहाँ पर मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच बेसन। ये मैंने लिया है 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर। और यहाँ पर मैंने लिया है घी। और ये है नमक। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले लूँगी मैं ये पालक। और इस पालक में मैं ऐड करूँगी 4 बड़े चम्मच बेसन। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, नमक आधे छोटी चम्मच, गरम मसाला पाउडर आधा छोटी चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा छोटी चम्मच। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी घर का बना फ्रेश 400 ग्राम पनीर। इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पनीर को पहले हम अच्छे से क्रम्बल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से मिलाकर कोफ्ते बनाने के लिए डो रेडी कर लिया है। ये डो बिल्कुल भी गीला नहीं है। तो अब हम इस डो से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे। कोफ्ते बनाने के लिए यहाँ पर मैंने छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैंने लिया है एक पैन, गैस को मैंने ऑन कर लिया है। और इस पैन में मैंने ऐड किया है रिफाइंड ऑयल। हमें यहाँ पर इतना रिफाइंड ऑयल ऐड करना है जिसमें कि हम कोफ्ते को बिल्कुल अच्छे से फ्राई कर सकें। तेल यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये कोफ्ते। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल मीडियम ही रखा है। हम इन कोफ्तों को 5 से 7 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ऐसे ही पकने देंगे, जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन कलर के ना हो जाए। पाँच मिनट के बाद यहाँ पर मैंने सारे कोफ्तों को डीप फ्राई करके बिल्कुल अच्छे से एक प्लेट पे निकाल लिया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर फिर से मैंने लिया है एक पैन, गैस को मैंने ऑन कर दिया है। और इस पैन में मैंने ऐड किया है 2 बड़ा चम्मच तेल। तेल यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से गर्म हो गई है। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी ये प्यूरी, जिसमें मैंने प्याज, टमाटर, पालक, अदरक, लहसुन और हरी मिर्च डाला था। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल मीडियम ही रखा है। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। और इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल मीडियम ही रखा है। हम इस ग्रेवी को तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इसके साइड से तेल अलग ना हो जाए। पाँच मिनट के बाद ये ग्रेवी बिल्कुल अच्छे से फ्राई हो गई है, इसके साइड से तेल अलग होने लगा है। तो अब हम इस ग्रेवी में ऐड करेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो मैं यहाँ पर 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। इसे भी हम अच्छे से बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। अब इस ग्रेवी में हम बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर आधा छोटी चम्मच। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर बिल्कुल मीडियम ही रखा है। और अब इस ग्रेवी में मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून घी। यहाँ पर घी भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट होने लगी है। तो अब इस ग्रेवी में मैं ऐड करूँगी ये पालक के कोफ्ते।
जो हमने फ्राई करके रखे थे। अब मैं इन कोफ्तों में ऐड करूंगी फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, मतलब फ्रेश धनिया की पत्ती, 2 टीस्पून। तो यहाँ पर हमारे गर्मा गर्म पालक के कोफ्ते बनकर रेडी हो गए हैं। तो अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें। अगर आप ऐसे ही और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स, अपनी फैमिली एंड अपने नेबर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।